नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश की आवाज़ न्यूज। आज हम आपको मिर्जापुर जनपद के अद्भुत अमृत सरोवर की जानकारी देंगे और आपको दिखाएंगे 96 में स्थित ग्राम जासा भगौरा में भव्य और अलौकिक रूप दिया जा रहा अमृत सरोवर का, जिसका सारा से श्रेय खंड विकास अधिकारी हरिओम गुप्ता एवं पंचम सिंह को दिया जाता है। और इसके बारे में हम पंचम सिंह से आपको जानकारी बताएंगे, इसकी पूरी खासियत बनाएंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में, आप देखते रहे प्रकाश की आवाज़ न्यूज। तो चलिए मिलाते हैं पंचम सिंह से, जानते हैं इसकी जानकारी। कौन सा गांव है ये? जैसा भगौरा। आपका क्या नाम है? पंच बहादुर सिंह। सर ये बताइए, बाकी ये अमृत सरोवर है ये? हाँ अमृत सरोवर है। ये अन्य जगहों से बड़ा अलग दिख रहा है, जैसे आपने इसको सीढ़ीदार नुमा बनाया हुआ है, ऐसा आपको मतलब कैसे लगा कि कुछ अलग किया जाए? हमको ये समझ में आया कि अभी तक जो तालाब दिखाई दिया अमृत सरोवर का जी, तो वो सीधे सीधे सिर्फ टाइप बना लेकिन हमको ये समझ में आया कि अगर स्टेप बाय स्टेप अगर सीढ़ी बन जाएगी जी, तो अमृत सरोवर मेरा अच्छा रहेगा और किसी को आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। नीचे अगर किसी को आना है तो चला जाएगा, और इसलिए हमारे यहाँ भी मिट्टी का काम मिला है अमृत सरोवर का जी, जी। तो हम लोग मिट्टी करके कटिंग करके तीन लेयर में हम लोग बनाना चाह रहे हैं कि ऐसा तालाब बन जाए कि अच्छा लगे। ये स्टेप बाय स्टेप आपने बनाया है, थोड़ा सा लेयर टाइप सा हो गया तो ये बड़ा देखने बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये आपकी अपनी खुद की सोच थी? जी सर, इसमें हमारे शरद कुमार सिंह वीडियो पूर्व थे जी जी, तो उन्होंने जो कि पटेरा चले गए हैं, तो पटेरा चले गए हैं, तो उन्होंने जब अमृत सरोवर पास किए तो हमने कहे कि सर हमारा तालाब हम लेयर बाय लेयर बनाना चाहते हैं, तो क्या कोई दिक्कत है? तो कहे नहीं, वो लेयर बाय लेयर अगर आप बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो अच्छा रहेगा, तो कम कम देखने में सुंदर भी रहेगा और ठीक रहता है। तालाब का रूप इसी तरह रहना भी चाहिए।